नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक दुबे चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्र, आज इस वीडियो के माध्यम से टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम उपस्थित हुए हैं। मित्र, आज के जो भी क्वेश्चन हैं बहुत ही सरल क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप लोग अतिशीघ्र जो है इन प्रश्नों का जो है जवाब आप तुरंत दे दीजिएगा, क्योंकि क्लासें कुछ लेट हो चुकी हैं, ठीक है। करीब हम 20 मिनट हम लेट हैं। आइए भैया चलते हैं आज के महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन। देखिए, हमने बताया आज के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है भैया आपसे कि भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। पहला क्वेश्चन है भैया, भारतीय कला का स्वर्ण युग है। ऑप्शन ए कह रहा है भैया प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, बी कह रहा है आपका गुप्त काल, सी कह रहा है भैया मुगल काल, डी कह रहा है आपका आधुनिक काल। चलिए भैया पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा पहला क्वेश्चन, भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। चलिए भैया जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आज क्लास थोड़ी सी लेट हुई, ठीक। चलिए भैया जल्दी जल्दी आप लोग पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, भारतीय कला का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए यहां पर भारतीय कला की जब स्वर्ण युग की बात होगी तो इसमें भैया देखिए ऑप्शन ए आपका क्या है प्रागैतिहासिक काल, बी है आपका क्या गुप्त काल, सी है भैया आपका मुगल काल, डी है आपका आधुनिक काल। लेकिन जब भी भारतीय कला का स्वर्ण युग की बात होगी तो वह आपका ऑप्शन क्या है भैया, बी बिल्कुल सही है। यहां पर बात कर रहा है भैया कला का, न चित्रकला का, न मूर्ति कला का, न स्थापत्य कला का, यहां पर संपूर्ण कला के स्वर्ण युग की बात हो रही है। तो भारतीय कला का स्वर्ण युग भैया किसके समय माना जाता है, आपका गुप्त काल का। यहां पर बात अगर हम मुगल काल की करते हैं भैया, मुगलों का स्वर्ण काल, उसमें क्वेश्चन पूछता है मुगल कला का स्वर्ण काल किसके समय माना जाता है, तो वह कौन होते हैं भैया, शाहजहां के शासन काल में। यहां पर शासनगत बात होगी और यहां पर क्या है आपके काल विशेष की बात हो रही है। भारतीय कला का स्वर्ण युग आपके गुप्त काल से संबंधित है, वही मुगल कला का स्वर्ण काल हम शाहजहां के शासन काल में माना जाता है, ठीक है। शाहजहां के शासन काल को हम स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल या जो है मुगल कला का स्वर्ण काल कहते हैं, और भारतीय कला का स्वर्ण काल जो है हम गुप्त काल को माना जाता है, क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। भैया थोड़ा सा लाइव आप लोग दिख नहीं रहे, थोड़ी सी परेशानी हो रही है, चलिए भी देखते हैं। भैया दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हमने बताया आज जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा जातक शब्द का उपयोग हुआ है, यहां जातक शब्द का संबंध है, ठीक है। जैसे आप लोग सुनते होंगे जातक कथाओं का, ठीक है, जैसे आप लोग अजंता गुफा में सुनते होंगे, यहां पर जातक कथाओं का क्या किया गया है, चित्रांकन किया गया है। जैसे आप गुफा संख्या 10 देखते हैं, गुफा संख्या 17 देखते हैं, उसमें जातक कथाओं का अंकन किया गया है। यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है मित्र, जातक कथा का संबंध किससे है, ठीक। ऑप्शन ए कह रहा है भैया बुद्ध की यात्राओं के लिए है, बी कह रहा है बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है, सी कह रहा है भैया ये बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए है, डी कह रहा है आपका इनमें से सभी। चलिए भैया जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए भैया जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। अब देखिए यहां जातक कथा की बात होती है, ठीक। आप लोग कमेंट्स थोड़ा सा हमको दिख नहीं रहा, इसीलिए थोड़ी सी हमको दिक्कत हो रही भैया, ठीक है। यहां पर जो है आप लोगों का कमेंट्स हमको शो नहीं कर रहा, चलिए ऐसे पढ़ा देते हैं, ठीक। देखिए अगर हम जातक शब्द का उपयोग की बात करते हैं तो यह जो है जो जातक शब्द होता है यह बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित माना जाता है।
यह बुद्ध के पूर्व जन्म से कहानियों से क्या है यह संबंधित है। जैसे आप देखते होंगे अनेक जातक कथाओं का उल्लेख किया गया है, कुछ जातक कथाओं के अंकन और उससे संबंधित चित्रकारिता हमको अजंता की गुफा में मिलता है। जैसे आपका अजंता की गुफा संख्या 10 हो गया, अजंता की गुफा संख्या 17 हो गया। जैसे भैया आपको पता होगा अजंता संख्या में जितनी भी गुफाएं हैं 6 ही ऐसी गुफाएं हैं जो चित्रित गुफाएं हैं। चित्रित गुफाएं कौन है? 1, 2, 9, 10, 16, 17 अर्थात अजंता गुफा के जो भी चित्र बने हैं इन्हीं 6 गुफाओं में आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादातर अजंता गुफा संख्या 10 और 17 में क्या किया गया है, हमको यहां पर जातक कथाओं का हमको अंकन प्राप्त होता है। अन्य गुफाओं में भी अंकन है लेकिन यहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। यह बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानियों से संबंधित चीजों का उल्लेख किया गया है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं इनका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, चलते हैं भैया अगला क्वेश्चन। हमने बताया आज जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है भैया फड़ चित्रण का संबंध है। फड़ चित्रण का संबंध का मतलब है भैया कपड़े पर चित्रकारिता से संबंधित होता है। यहां पर क्या है भैया? फड़ चित्रण का संबंध है। फड़ चित्रण का मतलब भैया होता है कपड़े के चित्रकारिता से संबंध माना जाता है। अब देखिए यह कहां से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा भैया राजस्थान से, बी कह रहा उत्तर प्रदेश से, सी कह रहा भैया मध्य प्रदेश से, डी आपका कह रहा है बिहार से। फण चित्रण का संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछ जाता है फण चित्रण का संबंध मतलब मूर्तिकारिता से, कैनवास पर चित्रकारिता। तो यहां पर मूल चीज क्या है भैया? कपड़े पर चित्रकारिता से इसका संबंध होता है। यहां पर राज्य की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए आपका दे रहा है भैया राजस्थान, बी कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश, सी कह रहा है आपसे मध्य प्रदेश, डी आपसे कह रहा है बिहार। चलिए भैया आप लोग जवाब दीजिएगा, देखते हैं अगर कमेंट शो करे तो ठीक है। चलिए भैया जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए इसमें समय नहीं गवाते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों का कमेंट दिखाई नहीं दे रहा। चलिए देखते हैं फड़ चित्रण का संबंध है। फड़ चित्रण का मतलब हमने आपको बता दिया भैया कपड़े की चित्रकारिता से संबंध है। ठीक है, आप देखे होंगे पिछवाई कला, ठीक है, जो राजस्थान के मेवाड़ की क्या है एक उपशैली है। वहां पर क्या होता है जो आपका पिछवाई कला है वहां पर कपड़े की चित्रकारिता की जाती है। और अधिकांशतः फड़ चित्रण का संबंध कहां से भैया आपके? राजस्थान से। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनका उत्तर क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं भैया चौथा क्वेश्चन, क्योंकि आज समय आप लोगों का करीब 20 से 25 मिनट तक क्या हुआ हम लेट आए हैं और हमको क्वेश्चन सारे करने हैं इसलिए ज्यादातर आज हम आपको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, आपको जो भी असुविधा महसूस हो उसको हम जो है जब आप कमेंट्स हम देखेंगे तो अगले क्लास में हम आपके जो है सारे समाधान कर देंगे। चौथा क्वेश्चन भैया बंगाल स्कूल के चित्रकार है। मित्र देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, यहां से निश्चित एक ऐसे क्वेश्चन पूछाएगा कि बीए बंगाल स्कूल के चित्रकार इनमें कौन से हैं, इनमें कौन से दिल्ली शिल्प चक्र के जो है कलाकार हैं, इनमें कौन से प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं, इसमें कौन से बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। अर्थात जो भैया ग्रुप के कलाकार हैं तो उनको आपको जो समकालीन कला आप बंगाल आधुनिक तथा समकालीन कला से संबंधित जो कुछ भी आपके ग्रुप के संबंधित कलाकार हैं उन्हीं को याद करना पड़ेगा कि कौन से कलाकार किस ग्रुप से संबंधित हैं। उसी के संदर्भ में यह क्वेश्चन पूछा गया भैया कि बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भैया राम कुमार, बी कह रहा है भैया नंदलाल बोस, सी कह रहा है अमृता शेरगिल, डी कह रहा है शांति दवे।
इसमें एक ऑप्शन हमने सरल डाल दिया, आप लोग तुरंत दे देंगे। अगर लेकिन अगर वही ऑप्शन के अलावा अन्य कुछ चीज डाला गया होता तो दिक्कत महसूस होती। चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा, बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं, ऑप्शन ए कह रहा राम कुमार, बी कह रहा भैया नंदलाल बोस, सी कह रहा अमृता शेरगिल, डी कह रहे आपके शांति दवे। चलिए भैया जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, चलिए भैया जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा आप लोग। बिल्कुल सही आप लोगों को उत्तर आना, बिल्कुल सही हो गया भैया, ठीक है। अब बिल्कुल सही आप लोगों को उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए यहां पर अगर बात किया जाए तो इसमें सारे लोगों का उत्तर बी है, सभी लोग जो है एक तरफ से नंदलाल बोस कह रहे हैं। मृत्युंजय सिंह जी भैया इसमें क्या है आपके नंदलाल बोस है, इसमें कौन है बंगाल स्कूल से संबंधित कौन है आपके नंदलाल बोस हैं। अगर भैया हम राम कुमार की बात करते हैं, यहां पर देख लीजिए चारों लोगों की बात करते हैं, अगर हम राम कुमार जी की बात करते हैं तो ये दिल्ली शिल्प चक्र के कलाकार हैं। यह किसके हैं भैया, यह दिल्ली शिल्प चक्र के क्या हैं आपके, यह कलाकार हैं। बात करते हैं नंदलाल बोस की, आप लोग जानते हैं नंदलाल बोस बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकारों में एक माने जाते हैं। इनके कला गुरु कौन है, अवनिंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने बंगाल स्कूल की स्थापना की। और यह जो है अवनिंद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में एक माने जाते हैं, यह कौन है भैया नंदलाल बोस, जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि का क्या किया था, इन्होंने चित्रांकन किया था, ठीक। यह है नंदलाल बोस। उसके पश्चात अगर हम बात करते हैं भैया किसकी, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के बारे में हमने बताया था कि इनकी माता हंगेरियन हैं और इनके पिता क्या है भैया भारतीय अर्थात पंजाब से संबंधित रखते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई है, इनकी शिक्षा दीक्षा पेरिस से हुई है। इनकी शिक्षा दीक्षा कहां पर हुई, पेरिस में हुई है। हाँ, ये नंदलाल बोस के चित्रों से क्या थी, प्रभावित थी। बात आगे है आपके शांति दवे की, बात करते हैं तो भैया यह बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। यह किससे संबंधित भैया, यह बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। अब देखिए यहां पर कई क्वेश्चन बन सकता था कि इनमें कौन से कलाकार दिल्ली शिल्प चक्र के हैं, तो राम कुमार हो जाता। एक क्वेश्चन है ही बंगाल स्कूल के चित्रकार कौन है, नंदलाल बोस है। या इनमें से कौन है जो जिसने पेरिस में शिक्षा हासिल की थी, अमृता शेरगिल हो गए, या बॉम्बे ग्रुप के कलाकार कौन है, शांति दवे हैं। क्लियर, यहां से निश्चित ही आपके ग्रुप से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन बी लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं देखिएगा मित्र, यहाँ से जो कुछ भी फीस से संबंधित जो कुछ भी मामला है तो वह हमको किसी चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी संबंधित हो आपके पास फ़ोन नंबर होगा और संस्थाएं इलाहाबाद के कई स्थानों पर होंगी, ठीक है। जो कला से संबंधित जानकारी होगा चंद्रा की, जो भी संस्थाएँ आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, आपके पास फ़ोन नंबर होगा पूछ सकते हैं, ठीक है मित्र। देखिए जब हम यहाँ प्रैक्टिस कराने लगे तो आप लोग एक तो लेट हो जाता है, ठीक है, 15 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करवा पाते, आप तो अधिकांशतः समय चला गया है। आप लोग देखिए अब तो अभी निश्चित है कि पेपर तो होगा निश्चित, ठीक है, पुनः जो है आपका अभी निरस्त किया गया है, यह निश्चित रूप से पुनः आएगा और पेपर होगा, ठीक। इसीलिए आपको समझिए थोड़ा सा समय मिल गया है, ठीक है। आप लोग इस समय का लाभ उठाइए और जो भी क्वेश्चन करा जाए वहां पर ध्यान दीजिए, बस इसके उत्तर आप लोग दीजिए, ठीक भैया। ठीक है, हम इसको भी करवाएंगे, ठीक है। कौन कौन से कलाकार, कौन कौन से चित्रकार, कौन कौन से ग्रुप में हैं, एक दिन हम आप लोगों को उसको लिखकर भी बता देंगे। चलिए भैया इसमें आपका क्या है, नंदलाल बोस है। चलिए आगे चलते हैं भैया, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भैया प्रसिद्ध कृति बालिका वधू के चित्रकार हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, देखिए यहां पर
अमृता शेरगिल जी से, यहाँ पर अमृता शेरगिल हो गए, चाहे एम एफ हुसैन साहब हो गए, यामिनी राय हो गए, नंदलाल बोस हो गए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। विगत पेपर आप जब आप उठाकर देखते हैं तो आधुनिक कला और समकालीन कला से क्वेश्चन करीब 70 से 72 क्वेश्चन पूछे गए। अगर उतने क्वेश्चन न भी पूछे गए इस साल तो कम से कम यहां से मान के चलिए भैया 30 से 35 क्वेश्चन आपको पूछा जाना निश्चित है। ठीक है, यहां पर देखिए भैया लिखा गया है प्रसिद्ध कृति बालिका वधु के चित्रकार हैं। ऑप्शन ए कह रहा भैया नंदलाल बोस हैं, बी कह रहा है एम एफ हुसैन है, सी कह रहा भैया यामिनी राय है, डी कह रहा है आपसे अमृता शेरगिल हैं। चलिए भैया पांचवें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए भैया पांचवें क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल है, तब पर भी ज्योति शर्मा जी भैया सी कह रही हैं, शुभम यादव जी डी कह रहे हैं, शिखा वर्मा जी भैया सी कह रही हैं, विमलेश जी डी भैया डी कह रहे हैं, विकास गुप्ता जी डी कह रहे हैं, प्रियंका यादव जी सी कह रहे हैं भैया, ठीक है, विक्रम चतुर्वेदी जी भैया सी कह रहे हैं, ठीक है, यहां पर देखते हैं नेहा यादव जी सी कह रही हैं। आइए देखा जाए पांचवें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। यहां पर अगर बात करते हैं भैया कि बालिका वध का, तो वह कौन है, अमृता शेरगिल। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, आपका बिल्कुल सही है। जैसे क्या है, अमृता शेरगिल के बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे तीन बहनें हो गई, बालिका वधु हो गया, अछूत बालिका हो गई, और इनके इन अछूत बालिका पर ताहिती कला का क्या होता है, हमको प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अमृता शेरगिल का क्या है, आपका प्रसिद्ध कृत बालिका वधु, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया इनका। तीन बहने भी काफी बार जो है विगत प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, तीन बहने किसकी कृति है, तो वह भी किसका है भैया, आपका अमृता शेरगिल जी का है। इसके बाद की बात हम करते हैं भैया, अगर हम नंदलाल बोस जी की बात करें तो जो इनके प्रसिद्ध चित्र पूछे जाते हैं तो वह पूछा जाता है भैया शिव का विस्पान, गंगा अवतरण, ये सब किसके हैं भैया, यह सब नंदलाल बोस के हैं। शिव का विस्पान और गंगा अवतरण किसके संबंधित है आपके, यह नंदलाल बोस का है। यामिनी रंजन राय जी के बारे में भैया आप जानते हैं, इनको भारत का राष्ट्रवादी कलाकार महात्मा गांधी ने कहा, और इनका प्रसिद्ध चित्र क्या है भैया, मां और शिशु, क्या है भैया इनका, मां और शिशु। उसके बाद अमृता शेरगिल जी के बारे में हमने आपसे बता दिया है। ठीक भैया, यहां पर है प्रसिद्ध कृत बालिका वधु किसके हैं, वह है अमृता शेरगिल के। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं कि बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, आपको यह देखना होगा वह कौन से चित्रकार हैं जिन्होंने बनारस श्रृंखला का चित्रांकन किया है। इनमें से ऑप्शन ए कह रहा है आर्यस विष्ट है, बी कह रहा है भैया जगदीश मित्तल है, सी कह रहा है राम कुमार जी हैं, डी कह रहे हैं आपके डीपी राय चौधरी हैं। चलिए भैया छठवें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बनारस घाट के चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ऑप्शन आर्यस विष्ट कर रहा है, बी जगदीश मित्तल कर रहे हैं भैया, सी आपके राम कुमार कर रहे हैं, डी आपके डीपी राय चौधरी जी। चलिए भैया जवाब दीजिएगा, छठवां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों का जवाब आना चालू हो गया, बिल्कुल सही भैया, इसमें अवनीश सिंह जी सी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका, शशिकांत तिवारी जी सी कर रहे हैं भैया, अवधराज यादव जी सी कर रहे हैं, दुर्गेश जी सी कर रहे हैं भैया, सुषमा यादव जी सी कर रहे हैं, विक्रम जी सी कर रहे हैं भैया, आलोक त्रिपाठी जी सी कर रहे हैं, सारे लोगों के उत्तर बिल्कुल सही है भैया। यह आपके उत्तर क्या है, बिल्कुल सही, इसमें आपके उत्तर क्या है, श्री राम कुमार, बिल्कुल सही है क्या आपके, राम कुमार जी। एक भैया राम कुमार जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, राम कुमार कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि राम कुमार जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे, वह क्या है आपका, वायलिन। वायलिन बजाने में क्या थे, ये माहिर थे। इसके बाद देखिए जो भी चित्रकार, अगर कोई बांसुरी बजाता है, कोई तबला बजाता है, कोई जो है सारंगी बजाता है, तो यह सब क्वेश्चन यहां पर पूछता है, और राम कुमार जो है वायलिन बजाने में क्या थे, पारंगत थे। ठीक भैया, और यह जो है सैलोज मुखर्जी के शिष्य थे, किसके भैया, यह सैलोज मुखर्जी के क्या थे, चित्र शिष्य थे, और बनारस श्रृंखला का किसने बनाया आपका, राम कुमार ने, वाराणसी श्रृंखला,
वाराणसी श्रृंखला का चित्रांकन किसने किया? आपका रामकुमार ने किया। ये वायलिन बजाने में क्या थे? पारंगत थे। और बनारस घाट का चित्रण कौन किया है भैया? रामकुमार जी ने किया है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन सी लगाए हैं उनके उत्तर क्या है? बिल्कुल सही हैं। ठीक, चलिए भैया आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अभी हम आपको बता ही रहे थे, सातवां क्वेश्चन आ गया। तीन बहने किसके चित्र हैं? तीन बहने किसके चित्र हैं? ठीक, ऑप्शन ए कह रहा है भैया सतीश गुजराल, बी कह रहा है के एस कुलकर्णी, सी कह रहा है भैया अमृता शेरगिल, डी कह रहा है असित कुमार हल्दर। डी कह रहे हैं भैया असित कुमार हल्दर। चलिए भैया जवाब दीजिएगा, तीन बहने किसके चित्र हैं? सातवां क्वेश्चन का भैया सबसे पहला जवाब आया है मीना सिंह जी का। मीना सिंह जी बता रहे हैं भैया अमृता शेरगिल है। यशपी सिंह जी भी कह रहे हैं सी है। सारे लोगों का जवाब एक साथ देख रहे हैं भैया सी आ रहा है। आप सब लोग बिल्कुल सही और अच्छा जवाब दे रहे हैं भैया। तो कौन है भैया? अमृता शेरगिल। अभी हमने आपको बताया कि अमृता शेरगिल की क्या है, कुछ चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण पूछते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, तीन बहने, जिसके बारे में अभी हमने आपसे क्या किया था, पूछा था। जैसे हमने बताया भैया तीन बहने हो गई, बालिका वधू हो गई, अछूत बालिका हो गया, यह सब किससे संबंधित है आपके? यह अमृता शेरगिल से संबंधित है। जी ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछता है किसका जन्म हंगरी में हुआ था या किनकी माता हंगेरियन महिला थी, तो वह कौन है आपके? अमृता शेरगिल। इनके पिताजी जो है पंजाब से, पंजाब भारत से क्या थे? संबंधित थे। यह आपका ऑप्शन सी क्या है भैया? बिल्कुल सही है। अगर हम बात एक ही करते हैं भैया, सतीश गुजराल इनके भाई साहब जो है भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे गुजराल जी। ठीक, चलिए आगे चलते भैया। अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन देखिएगा। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए कह रहा है भैया 1965 ईस्वी में, बी कह रहा है भैया 1962 में, सी कह रहा है 1949 में, डी आपसे कह रहा है 1940 ईस्वी में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है भैया। देखिए जो भी आपके राज्य ललित कला से संबंधित हैं, केंद्रीय ललित कला है, वहां के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसको ठीक है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद भारत में कितने भी राज्य ललित कला अकादमी है इनके बारे में देख लीजिएगा। अगर जहां जिस राज्य के ललित कला अकादमी के अगर कहीं भी नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेकिन जो क्वेश्चन आपके सामने है वह कह रहा है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। बिल्कुल सही भी आप लोग जवाब बिल्कुल सही है। कोई डेट लिखकर बताए यह तो 1962 भी बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी इसमें डेट लिखकर बताए, आप लोग डेट लिखकर थोड़ा सा कमेंट्स करिए किस डेट को जो है राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, गौतम जी, संगीता जी भैया, रुचि जी, रीना जी, आप लोग एक बार डेट लिखकर बताइएगा वह कौन सा डेट है। ठीक, जिसमें क्या हुआ था आपका राज्य ललित कला अकादमी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। चलिए एक बार आप लोग डेट लिखिएगा। बिल्कुल सही। देखिए यहां पर आठवां क्वेश्चन है और 8 फरवरी 1962 को, 8 फरवरी 1962 को लखनऊ में क्या किया था, राज्य ललित कला अकादमी का क्या स्थापना किया था। अब आप लोग कमेंट्स करके दो चीज बताइएगा, अभी हम बाद में आपको बताएंगे कि जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष इस समय कौन है। ठीक, वर्तमान अध्यक्ष इस समय कौन है इसको आप कमेंट्स करके बताइएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए भैया नौवां क्वेश्चन देखिएगा। यामिनी रंजन राय की प्रसिद्ध कृति माँ एवं शिशु चित्र का माध्यम है। देखिए यहां से यामिनी रंजन जी के बारे में दो चार क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है भैया। ठीक है, जैसे आपका क्या है माँ, या तो क्वेश्चन पूछ देगा माँ और शिशु का जो है चित्रांकन किसने किया है, तो यामिनी रंजन राय। ठीक, दूसरा क्या है जो यह कृति है वह किस माध्यम से बनाया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है भैया कैनवास पर तैल चित्र, बी कह रहा है कैनवास पर टेम्पेरा पद्धत, सी कह रहा है भैया वाष्प पद्धत के माध्यम से बनाया गया है, डी बताया गया है इनमें से कोई नहीं।
नौवां क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ है, चलिए भैया नौवां क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाऊ है, लेकिन क्या है क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल है कि यामिनी राय की प्रसिद्धिकृत मां एवं शिशु चित्र का माध्यम क्या है। चलिए भैया बिल्कुल सही भैया, गौतम जी भैया बी कह रहे हैं, विनीता जी बी कह रहे हैं भैया, अवधराज जी ए कह रहे हैं, शशिकांत तिवारी जी भैया ठीक है। चलिए देखते हैं किसका उत्तर कौन सा सही है। चलिए इसका उत्तर आपका क्या है, यामिनी राय की प्रसिद्धिकृत मां एवं शिष्य चित्र का जो माध्यम है भैया वह क्या है आपका, कैनवास पर तैल रंग। कैनवास पर क्या है आपका, तैल रंग, जो भी ऑप्शन ए लगाया गया है यह उत्तर क्या है बिल्कुल सही है। अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा राय साहब की उपाधि किसको दिया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा राय साहब की उपाधि जो है यामिनी रंजन राय को दिया गया था। और दूसरा महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर हम एम एफ हुसैन को छोड़ दें तो किसको भारत का पिकासो कहा जाता है, तो वह कौन है भैया, यामिनी रंजन राय। कई क्वेश्चन पूछता है कि यह जो है प्रसिद्ध कृत मां एवं शिष्य किसका है, यामिनी राय का है। राय साहब की उपाधि किसको सम्मान दिया गया था, यामिनी राय को। कौन दिया था, ब्रिटिश सरकार ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर पिकासो को छोड़ दिया जाए, अगर एम एफ हुसैन को छोड़ दिया जाए तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, तो यामिनी रंजन राय को भी भारत का पिकासो कहा जाता है। क्लियर, यह आपका जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनका उत्तर क्या है बिल्कुल सही है। चलिए भैया अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया दसवां क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। भैया यहां से यह क्वेश्चन कई बार विगत प्रश्न पत्रों में यह कई बार पूछा है, चाहे वह टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि मिर्जापुर से प्राप्त चित्रों में नृत्य का दृश्य जो है किस गुफा में प्राप्त है। ऑप्शन ए कह रहा है भैया घोड़मंगर, बी कह रहा है भैया भंडारिया से, सी कह रहा है पंचमुखी से, डी आपका कह रहा है लखुनिया से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भैया यहां से बनता है, घोड़मंगल से भी क्वेश्चन बनता है, लखुनिया से भी क्वेश्चन बनता है, भंडारिया से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए आप लोग जवाब दीजिए भैया दसवां क्वेश्चन भैया। दसवां क्वेश्चन बताइएगा, बिल्कुल सही, सभी लोगों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं भैया, वह कौन है आपका, लखुनिया। लखुनिया से हमको जो है यहां से नृत्य का क्या होता है दृश्य, नृत्य के जो है चित्र हमको जो है भैया लखुनिया से प्राप्त होता है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन डी लगाए हैं लखुनिया उनका क्या है बिल्कुल सही है। भंडारिया से हमको घायल सुअर का चित्र प्राप्त होता है, क्या भैया, घायल सुअर का जो है चित्रांकन हमको भंडारिया से प्राप्त होता है, और नृत्य का दृश्य हमको लखुनिया से प्राप्त होता है, और गैडे के आखेट के चित्र भैया हमको घोड़मंगल से प्राप्त होता है, जो प्रागैतिहासिक काल का खोजा गया जो है पहला चित्र कौन है आपका, गैडे का आखेट, और आपका स्थान कौन सा है, घोड़मंगल, और जिले की बात करते हैं तो वह कौन है आपका, मिर्जापुर, और अगर राज्य की बात किया जाए तो वह क्या है आपका, यूपी। अगर पूछा जाए प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज किस राज्य में हुई थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तो क्या होगा आपका, उत्तर प्रदेश। अगर यही क्वेश्चन पूछे प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज कहां पर हुई थी, आपका पूछ ले मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर पूछ लिया, बंबई पूछ लिया, ठीक है, जयपुर पूछ लिया, अगर जिलों का नाम देगा तो वह क्या आ गया आपका, मिर्जापुर। अगर स्थान मिर्जापुर में पूछेगा तो वह कौन है भैया, घोड़मंगर, और खोजा गया पहला चित्र कौन है आपके, गैडे का आंखें। एक भैया घायल सुअर का चित्र हमको भंडारिया से प्राप्त हुआ है, जो आपके जो है मिर्जापुर में है, लखुनिया से हमको नृत्य का दृश्य प्राप्त हुआ है, या भी क्या हुआ है, मिर्जापुर के सोन नदी पहाड़ी पर जो है आपके वहां पर जो है स्थित है, कैमूर की पहाड़ी, पहाड़ी का नाम क्या भैया, कैमूर की पहाड़ी, सोन नदी है, ठीक। चलिए आगे चलते भैया, 11वां क्वेश्चन, चलिए
सेम वही क्वेश्चन फिर आया प्रागैतिहासिक काल से। हमने बताया भैया यहां से कम आपसे 5 से 7 क्वेश्चन आपके प्रागैतिहासिक काल गुफाओं से पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं से पूछे जाते, जैसे पूछता है प्रागैतिहासिक काल के चित्र सर्वाधिक किस रंग से बनाए गए हैं, तो किस रंग से, आपके गेरुआ रंग या खनिज रंग कहिए, या तो गेरुआ या लाल रंगों से क्या किया गया है, बनाया गया है। धरातल क्या है, आपके शिला या चट्टानों पर क्या किए गए हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाए गए हैं। इनको गुहा चित्र कहा गया है क्योंकि अधिकांशतः चित्र गुफाओं में हमको क्या किए, गुफाओं के दीवालों पर, दीवारों पर, छतों पर, ठीक है, इत्यादि जगहों पर क्या किए गए हैं, इसको बनाए गए हैं। इसी श्रेणी में पूछ रहा है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप या जिराफ समूह का चित्रण कहां पाया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है भैया आदमगढ़, बी कह रहा है रामगढ़, सी कह रहा है मिर्जापुर, डी कह रहा है आपका पंचमढ़ी, ठीक है। यहां पर देखिएगा भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप पाया गया है। ऑप्शन ए है भैया आदमगढ़, बी है आपका रामगढ़, सी है आपका मिर्जापुर, डी है आपका पंचमढ़ी। चलिए भैया ग्रह में क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चलिए भैया मीना सिंह जी ए कह रहे हैं भैया, आरती जी ए कह रहे हैं, विनीता साक्या जी ए कह रहे हैं भैया, रीना रानी जी सी कह रहे हैं, वर्षा जी ए कह रहे हैं भैया, ललित किशोर जी ए कह रहे हैं। चलिए देखते हैं रेखा गंगवार जी सी कह रहे हैं। आइए देखते हैं कि ग्रह में क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही है। एक है यह जो भी भाई ऑप्शन ए लगाए हैं, आदमगढ़ की पहाड़ी होशंगाबाद में क्या हुआ है, हमको जिराफ ग्रुप के चित्रण पाए गए हैं, ठीक है। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप का जो है चित्रण हमको आदमगढ़ में प्राप्त हुआ है, यह होशंगाबाद में क्या है आपका स्थित है, ठीक। जो भी भाई बंधु ऑप्शन ए लगाए हैं उनका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारहवां क्वेश्चन देखिएगा प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल हैं। बारहवां क्वेश्चन देखिएगा, अभी तो हमने आपको धरातल की बात की ही है, तो सेम वही क्वेश्चन आ गया प्रागैतिहासिक चित्रों के धरातल हैं। ऑप्शन ए है भैया कपड़ा, बी है आपका शिला, सी है कागज, डी है कैनवास। हमने आपको बताया आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन आज पूछा गया है। और जो है चलिए बारहवां क्वेश्चन बताइएगा, बिल्कुल सही हमने बताया जी, जो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहा जाता है, मानव जीवन इतिहास के पूर्व की वह अवस्था या मानव जीवन का वह समय जब मनुष्य को लिपि की जानकारी नहीं थी, मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, मनुष्य जंगलों में जानवरों की भांति रहता था, एक जानवरों की भांत रहता था, हिंसक जानवरों से बचने के लिए वह गुफाओं, वह पर्वतों तथा पहाड़ों की गुफाओं में बड़े बड़े वृक्षों के खोतलों में क्या करता था, वह निवास करता था। खाने के लिए क्या करता था भैया, आखेट या शिकार करता था। खाने के लिए क्या करता था, आखेट या शिकार करता था। इसीलिए जो प्रागैतिहासिक काल के सर्वाधिक चित्र है भैया, यह वह आखेट या शिकार के क्या किए हैं, हमको चित्रण प्राप्त हुए हैं। तीसरा पेयजल के लिए क्या होता था, नदी झील झाला अर्थात जो प्राकृतिक स्रोत होते थे वहीं पर क्या होता था, पेयजल प्राप्त होते थे। और हिंसक जानवरों से बचने के लिए ये लोग पत्थर आदि का उपयोग करते थे, इसीलिए इस प्रागैतिहासिक काल का मानव जो है पत्थरों के अर्ध गिर्द ही उसका जीवन रहता था, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पहला पार्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं आपका पाषाण काल। इसी को क्या कहते हैं भैया, पाषाण काल। आप नाम सुने होंगे पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत आता है। प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत क्या होता है, आता है आपका पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल मतलब पत्थर का समय अर्थात मनुष्य के जीवन का वह समय जब पत्थर की उपयोगिता अनिवार्य थी। जब क्या था भैया, पत्थर की उपयोगिता अनिवार्य थी तो वह क्या हुआ आपका पाषाण काल कहलाया, ठीक है। और जो पाषाण काल के चित्रों का धरातल था वह क्या था आपका शिला। ऑप्शन बी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेरहवां क्वेश्चन है भैया, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था,
कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। यह बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है, हमने बताया आज जो क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन भैया। ऑप्शन ए कह रहा है बाबर, बी कह रहा है भैया हुमायूं, सी कह रहे हैं जहांगीर और डी आपसे कह रहे हैं शाहजहां। कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था, ऑप्शन ए है भैया बाबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर और डी है आपके शाहजहां। चलिए भैया क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बिल्कुल समय समाप्ति की तरफ है, चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही, चलिए भैया जल्दी जल्दी बताइएगा। विमलेश वर्मा जी सी कह रहे हैं भैया, शिखा वर्मा जी सी कह रहे हैं भैया, आलोक पटेल जी सी कह रहे हैं भैया, ठीक, वर्षा जी जो है सी कह रहे हैं, चलिए भैया किरण जी सी कह रहे हैं भैया, महिमा जी सी कह रहे हैं, चलिए बिल्कुल सही भैया। इसमें क्या है आपका सी, यह कौन है आपके जहांगीर। एक जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने कहा कि अगर इस जहां में कहीं भी स्वर्ग या जन्नत है वह कहां पर है, आपके कश्मीर में है। और यहां पर अगर हम बात करते हैं भैया जहांगीर के कब्र या मकबरे की, तो वह यहां पर नहीं, वह आपके लाहौर के सहदरा नामक स्थान पे क्या है, इनका जो है भारत से बाहर जो है इनका आपका मकबरा है, लाहौर के सहदरा नामक स्थान पर इनका है, जो लाहौर नदी के जो है आपके लाहौर में स्थित है, ठीक है भैया। यह रावी नदी के तट पर क्या है आपका स्थित है, इसमें आपका ऑप्शन क्या है सी बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके प्रश्नों की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय बिल्कुल ही कम था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में आप लोगों को पढ़ाना पड़ा आज, इसीलिए क्वेश्चन आज के बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन थे। देखिएगा भैया, एम एफ हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की, एम एफ हुसैन साहब ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की। ऑप्शन ए कह रहा है भैया 2006, बी कह रहा है 2018-8, सी कह रहा है 2010, डी कह रहा है भैया 2012 में। चलिए भैया 10-14वें क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। चौदहवें क्वेश्चन का जवाब देखिए, सबसे पहला उत्तर सालवी शुक्ला जी ने दिया भैया, बिल्कुल सही उत्तर है, चलिए भैया चलिए उत्तर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं, अगर हम एफएम हुसैन साहब की बात करते हैं, देखिए 2006 ईस्वी के लगभग इन्होंने क्या किया, नग्न भारत माता का इन्होंने चित्रण किया, जिसके कारण क्या हुआ, देश में इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। विरोध होने के पश्चात यह जो है भारत छोड़कर कहां गए, यह इंग्लैंड गए। वहां जाने के पश्चात कुछ दिन यह इंग्लैंड में रहे और 2010 ईस्वी में इन्होंने जो है कतर की नागरिकता ली। 2010 देखिए यहां पर 2006 ईस्वी में यह भारत देश छोड़ते हैं, 2010 ईस्वी में इन्होंने कतर की नागरिकता ली और बाद में लंबे बीमारी के कारण जो है यह लंदन के एक हॉस्पिटल में 2011 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या है भैया सी बिल्कुल सही है, ठीक है मित्र। आज जो आपके प्रश्नों की श्रृंखला थी वह समाप्त हुआ, ठीक है, लेकिन डेली करीब 14 या 15 से 17 क्वेश्चन तक डेली हो पाता था, आज थोड़ा सा क्वेश्चन कम हुए, ठीक। कल हम फिर जो है सही समय पर टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। मित्र धन्यवाद। Thank you.